वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि इन्हां दो हालातां दे विच आपां पाठ नहीं करना। वो केड़े दो हालात ने, केड़ियां दो जगह ने, वो आपां अज दी वीडियो विच गल करांगे। तो देखो जी, वैसे तो सानूं गुरु साहिबानां ने हर वेले हर जगह दे उत्ते सिमरन जां गुरबाणी दा पाठ करन नूं कहा है कि आपां 24 घंटे हमेशा गुरबाणी दे नाल जुड़े रहना है। समय दी जां हालात दी कोई पाबंदी नहीं है, पर फिर भी ये दो जगह ने, दो हालात ऐसे ने कि जिस वेले आपां पाठ नहीं करना। पहला कि जदों भी आपां गुरु घर जांदे आ तां कई मेरे वीर ते भैणां गुरु घर जाके बाणी पढ़दे ने। चंगी गल आ कि गुरु घर जदों भी जाओ बाणी पढ़नी चाहीदी आ, पर उत्थे ध्यान ये रखना है कि गुरु दी हजूरी दे विच बैठ के जदों ग्रंथी सिंह जी बाणी पढ़ रहे होण जां फिर कथा कीर्तन कर रहे होण तां उन्हां हालातां दे विच आपां पाठ नहीं करना। क्योंकि देखो, जिस तरह एक पासे नितनेम दीआं पंज बाणियां दा पाठ चल रहा होवे तां जेकर आपां उत्थे जाके सुखमणी साहिब जी दी बाणी पढ़ांगे तां फिर इस हालात विच ना तां आपां सुण पावांगे अते ना ही पढ़ पावांगे। इस लई आपां गुरु घर जदों जांदे आ तां गुरु घर जाण दा मतलब ये हुंदा है कि आपां गुरु दा उपदेश, गुरु तो सिक्ख्या हासिल करके आउणी आ। तां जे इस तरह बाणी पढ़ांगे तां फिर ना ही साडे कुछ पल्ले पैणा है अते ना ही साडी हाजरी गुरु दे चरणां विच लगणी आ। तां इस लई जदों ग्रंथी सिंह जी बाणी पढ़ रहे होण जां तुसीं जे बाणी पढ़नी आ तां फिर जो बाणी ग्रंथी सिंह जी पढ़ रहे ने उह नाल नाल पढ़ सकदे हो, पर उस तो अलग बाणी पढ़न सानूं समझ विच नहीं पवेगा। पर कुछ हालात अजिहे हुंदे ने, जिस तरह कई मेरे वीर भैण जिन्हां दे उत्ते वाहिगुरु जी दी बेअंत कृपा है, उन्हां दे अंदर निरंतर बाणी दा जाप चलदा रहिंदा है। चाहे उह जपजी साहिब जी दी बाणी पढ़ रहे होण, चाहे मूल मंत्र जां वाहिगुरु जी दा सिमरन जां किसी होर गुरबाणी दा शब्द जाप, तां उह इक कुदरती चीज़ आ। जेकर इस तरीके दे नाल गुरबाणी दा जाप चलदा है तां उसनूं तां आपां रोक नहीं सकदे। पर गुटका साहिब जी तों पाठ जदों भी करना है ना, उदों आपां इह देखणा है कि साडा मन गुरु चरणां दे विच लगा होवे। तां इस तरीके दे नाल जे गुरु दी हजूरी विच कोई होर बाणी दा पाठ चल रिहा है तां उहनां हालातां विच सुनना सही रहेगा। पर जेकर इत्थे तुहानूं समय दी समस्या है, जिस तरह कई मेरे वीर अते भैणां ने अमृत वेले गुरु घर हाजरी लवा के आउंदे ने, उहनां ने अमृत वेले नितनेम करना हुंदा है, उस तो बाद उन्हें अपनी ड्यूटी ते जाना हुंदा है, ते इन्हां हालातां दे विच ओह गुरु दी हजूरी तों उठ के एक साइड दे उपर जाके अपना नितनेम कर लैण। पर जदों गुरु साहिब सानूं उपदेश दे रहे ने तां ओह उपदेश सानूं ध्यान नाल सुनना चाहीदा है। अते दूसरे हालात इह ने कि कदे भी कोई नशा करके बाणी नहीं पढ़नी। जिस तरह कई मेरे वीर रोजाना शराब पीते ने जां नशा करते ने, तां नशा करके बाणी नहीं पढ़नी। पर इत्थे ये ध्यान दे दिए कि नशे वाले नूं बाणी दी वध जरूरत हुंदी है, उहनूं बाणी दा पाठ करना चाहीदा है। पर जिस वेले नशा कीता है उस वेले गुटका साहिब जी तों बाणी नहीं पढ़नी, ये ध्यान रखना है। हाँ, जदों नशा उतर जांदा है उदों इशनान करके गुरु साहिब जी तों माफ़ी मंग के बाणी पढ़नी है, अते इही अरदास बेनती करनी है कि पातशाह मैनूं इस करैत तों, मैनूं इस माड़ी आदत तों मेरा खैड़ा छडाओ अते मैनूं अपने गुरु चरणां दे नाल लाओ। ये दो गल्लां ध्यान विच रखनियां ने। बाकी आपां हर वेले हर जगह दे उत्ते गुरबाणी दा पाठ कर सकदे।